वो पढ़ते हैं, अपने से रिलेटेड न्यूज को ही नहीं पूरी न्यूज को भी पढ़ना चाहिए। देखिए आवश्यक नहीं, बहुत बार होता क्या है कि ऊपर की जो बैनर न्यूज होता है या जो उसके ऊपर जो हेडिंग होती है उसमें और अंदर की न्यूज में अंतर भी होता है, ठीक है, इसलिए पूरी न्यूज को पढ़ने की आदत बैठिए। दूसरा, हमारा प्रयास हो कि हर न्यूज पेपर को हम देखें और उसका जो एडिटोरियल पेज होता है, संपादकीय पृष्ठ जो होता है, वो बहुत सारी जानकारियों का खजाना होता है। बहुत सारी जानकारियां उसमें आपको मिलेंगी, देश की, दुनिया की। हमें न्यूज के साथ साथ एडिटोरियल पेज पर देश के प्रतिष्ठित चिंतकों, लेखकों और विद्वानों और राजनेताओं के आलेख आते हैं, उनके आर्टिकल्स होते हैं, उनके व्यूज होते हैं, देश की समसामयिक घटनाओं को लेकर के, देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, उसे हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत उपयोगी होगा वो। न्यूज़पेपर जरूर आपको देखना चाहिए, आपको हमेशा अपडेट करेगा वो। अभी आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद आपको अब अपने ग्रेजुएशन में आप प्रवेश कर गए, अब इसके बाद आप अपनी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। अगर आप अपने को अपडेट नहीं रखेंगे तो कंपटीशन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। अभी से अपने आप को तैयार, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के अलावा देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, इन सब की जानकारी भी रखने की आवश्यकता है। न्यूज़पेपर भी नियमित रूप से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। क्या करने जा रहे हैं, एक एक करके मुझे बताओ, आप इसके बाद क्या करने जा रही हैं? सर अभी मैंने जेई का फॉर्म भरा है, सर बीके करेंगे ग्रेजुएशन। अभी आपने आईआईटी जेई के बारे में? जी सर। उसी के बारे में, अभी आपने उसके टेस्ट में बैठी नहीं थी? नहीं सर, सर अभी इस बार बैठेंगे। इस बार बैठेंगे? जी सर। अच्छा, तैयारी है? जी सर। पास हो जाएंगे? ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगे। जी सर। ठीक है ना, तो तैयारी करके उसमें बैठिए और उस हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हैं? सर आईआईटी में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बैठ करके बोल सकते हैं सही बच्चे? सर आईआईटी में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस सर। कब आपका टेस्ट है? सर अभी इस साल के लिए तो एम नहीं कर रहे, पर अगले साल के लिए। इस बार तो 26 को है, 26 जून। तो आपने इस बार नहीं भरा? भरा है सर, पर अगले साल के लिए मेरा एम है। अच्छा, यस सर। ठीक है, इधर सर जेई आईआईटी, आप भी सब उसी की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। इस बार बैठेंगे टेस्ट? यस सर, इस सर पहला अटेम्प्ट। तैयारी है? यस सर। कहाँ से तैयारी की आपने? सर स्कूल से ही और ऑनलाइन से। अच्छा, आपको मालूम है कि राज्य सरकार भी इसके लिए कुछ कार्यक्रम चला रही है? यस सर, अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना है? यस सर। आपने अटेंड किया? नहीं सर। इसमें वर्चुअली या फिजिकली नहीं किया? नहीं सर। आप में से कितने बच्चों ने अभ्युदय योजना के बारे में सुना है? आप लोग उनकी क्लास को कभी अटेंड किए हैं? वर्चुअली भी नहीं किए? आप भी नहीं किए? नहीं सर। ठीक है, करना चाहिए। सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ। तो इस समय क्या करेंगे? सर अभी तो ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया है एलयू में, लेकिन नियमित रूप से अब लाइब्रेरी भी ज्वाइन करने वाले थे हम, अभी करेंगे कुछ टाइम पे, पब्लिक लाइब्रेरी ही है। अभी तक तो नहीं किया था? अभी तक नहीं किया था, सोच रहे थे सर एक बार इंटर क्रॉस हो जाए अच्छे से पढ़ाई, देन तो फिर लाइब्रेरी करनी है। अच्छा, नियमित रूप से जाना चाहिए लाइब्रेरी? सर जाएंगे बिल्कुल। न्यूज़पेपर नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी नियमित रूप से, बहुत जरूरी होता है ये तो। अपने को तैयार हमेशा अपडेट रखना होगा, तभी जाके कर पाएंगे। अभ्युदय कोचिंग की बात सुनी? सर अभी तो नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्तर के बच्चों के लिए, जैसे जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी या किसी भी
केंद्रीय सेवा के लिए या राज्य सरकार के सेवा की तैयारी के लिए जो बच्चे कोचिंग करते थे, बहुत सारी जगह कोचिंग की फीस बहुत महंगी होती थी, हर बच्चा उसको वहन नहीं कर सकता था, उसके लिए राज्य सरकार ने प्रारंभ की है ये व्यवस्था अभ्युदय कोचिंग की। और अभ्युदय कोचिंग में सबसे बड़ी बात क्या है, इसको वे लोग इसका संचालन कर रहे हैं जो उस कंपटीशन को पहले पास कर चुके हैं। जैसे जिले के अंदर जितने भी हमारे नए आईएएस चुन करके गए हैं वे आज वहां पर जनपद के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उस जिले में वह इसके साथ जुड़े हुए हैं, एक घंटे का समय वे भी निकालते हैं। जो आईपीएस गए हैं वे भी करते हैं, पीसीएस से जो आए हैं वे भी इस बात को उस क्लास को वहां पर लेते हैं, पीपीएस के जो अधिकारी हैं वे करते हैं, जो डॉक्टर आए हैं वे डॉक्टर वे लोग भी नीट के बारे में क्या तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं, हमारे जो इंजीनियर आए हैं बहुत सारे उसमें ऐसे हैं जो आईआईटीएन हैं वे लोग आईआईटी जेई के बारे में बताते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो वर्चुअल क्लासेज होती हैं उसको तो कोई भी देख सकता है, फिजिकल क्लासेज के लिए तो एक कंपटीशन हो रहा है उसके माध्यम से उन एक सीमित संख्या में उन छात्रों को उसमें बैठने की अनुमति है। वर्चुअल क्लास में तो कहीं से भी किसी क्लास को हम देख सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी जानकारियां उसके माध्यम से प्राप्त होती हैं, हमें उसके तैयारी करने के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं और किस तरीके से हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं उसके बारे में वो बताते हैं। ठीक है सर, अभी तो मैं ग्रेजुएशन में बीएससी करूंगी और सर मेरा सपना प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है जी सर। सुंदर, शिक्षा के क्षेत्र में। और ये जो है एडमिशन कहाँ लिया है आपने? सर मैंने अभी एडमिशन लखनऊ से ही लिया है, फॉर्म फिल कर दिए हैं। यस सर, जमा कर लिया है। ठीक है, बहुत सुंदर। सर मुझे आगे बीएससी करना है, उसके बाद मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाना है। आप भी शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे? जी सर। सुंदर, अच्छा है, बहुत अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे लोगों को जाना चाहिए। एडमिशन ले लिया? अभी नहीं लिया, लेना है। अब लेना है? यस। समय पे आवेदन कर देना चाहिए। ठीक है। ठीक सर, मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ और इस साल मेरे को अटेम्प्ट देना है। अच्छा, इस बार बैठेंगे आप? कब है इसकी परीक्षा? सर 25 को। 25 को है आपका? ठीक है। आपने सुना इसका नाम जो मैंने अभ्युदय कोचिंग का नाम देखा, कोई क्लास अटेंड किया? नो सर, अभी नहीं गए, और वर्चुअली भी नहीं देखा आप लोगों ने? नो सर। सुनना चाहिए, देखना चाहिए, सबकी जानकारी होनी चाहिए। सर मैं जेई 2023 दूंगा सर, इस बार मतलब अगले साल दूंगा। अगले साल देंगे? यस सर। तैयारी कर रहे हैं? यस सर, 1 जुलाई से मेरी ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है। आपने अभ्युदय कोचिंग को आपने भी नहीं अब तक अटेंड किया? नो सर, अटेंड मैंने नहीं किया सर, मेरी सिस्टर ने किया था सर, उसको गए थे और एलयू में पढ़ने। सर मुझे बीए करना है, उसके लिए फॉर्म फिल कर दिया है। अच्छा, तो बीए करने के बाद क्या करना है फिर? फिर एमए करेंगे, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी। अच्छा, सुंदर, अभी से मानसिक रूप से तैयार है तो लाइब्रेरी जरूर जाया करिए। ठीक है। न्यूज़पेपर भी पढ़ा करिए। ठीक सर, मुझे आईआईटी जेई का एग्जाम देना है, 24 को अभी होने वाला है। अच्छा, इसी 24 को है? यस सर। ठीक है, सुंदर है। अच्छा, आप में से एक बात बताओ, कल का दिन किस बात के लिए जाना जाता है? कल कोई घटना घटित हुई थी देश के अंदर, दुनिया के अंदर कुछ हुआ था कल? कलयुग दिवस था। अच्छा, कोई और किसी को कोई जानकारी है? इंटरनेशनल योगा डे। हाँ, वही योगा डे, वही योग दिवस ही है। हाँ, वैसे बोल दीजिए। ठीक है, तो आप में से कितने लोग थे जो कल योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लिए?
नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। कितने बच्चों ने योग दिवस के कार्यक्रम में भागीदार बने थे? देखिए इतना बड़ा इवेंट था, दुनिया के 150 से ज्यादा देश इसमें भाग लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ लोग योग दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़े, और आप लोग अपने जनपद के 12वीं के यूपी बोर्ड के 12वीं के अपने जनपद के मेरिटोरियस छात्र हैं, आपको तो और जाना चाहिए था। आपके गांव में, आपके नगर के पार्क में, हर सार्वजनिक स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा था। देखिए योग यह, कल प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना आप लोगों ने, सुबह कितने बजे सो के उठते हैं, कितने बजे सो के उठते हैं जी आप बताइए। हाँ 7 बजे उठते। 7 बजे क्यों उठते हैं, जल्दी क्यों नहीं उठ जाते? 7 बजे, ठीक 7 बजे प्रधानमंत्री जी का इस समय संबोधन चल रहा था, दुनिया में 150 से अधिक देश सुन रहे थे। देखिए समय पे जगने की आदत, समय पे सोने की आदत, जीवन में नियम और संयम जब भी रहेगा व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। पहली स्वास्थ्य की पहली आधारशिला है, जो स्वच्छता भी है ये भी उसी का पार्ट है। दूसरा, नियमित रूप से व्यक्ति को योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना, इस शरीर को भी स्वस्थ रखेगा तो मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखेगा, यानी दोनों मन की भी और काया की भी स्वास्थ्य की शर्त है ये योगिक क्रियाएं। व्यक्ति का काम, केवल किसी छात्र का काम ये नहीं कि मैं केवल अपनी क्लास में इस बार अच्छे अंक प्राप्त कर लूं, एक लंबे समय तक देश की सेवा का एक जज्बा के साथ व्यक्ति को अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए, और जब वो कार्य योजना इस रूप में आगे बढ़ाएगा तब वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना भोजन ग्रहण करना, ये सभी चीजें समय पे आप करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। अगर व्यक्ति अनियमित दिनचर्या उसकी है तो बहुत शीघ्र और रुग्ण हो जाता, रोगी हो जाता है। उसके बाद रोगी काया से व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाने, बहुत उसको कठिनाई होती है, क्योंकि उसको पहले अपना उपचार कराना पड़ेगा। तो उस प्रकार की स्थितियां नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को हमेशा अपने आप को तैयार रखना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने, देखिए अभी जो इस बालिका की मां बोल रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों की सुरक्षा और उसकी पढ़ाई के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हुई, ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वच्छता के प्रति एहसास हुआ, हर व्यक्ति स्वच्छता के प्रति आग्रही बना। ये स्वच्छता एक व्यक्ति को एक स्वच्छ वातावरण तो मिला, आरोग्यता की स्थिति को भी प्राप्त करने का माध्यम भी मिला। जहां गंदगी होगी वहां बीमारी जरूर होगी, जहां स्वच्छता होगी वहां आरोग्यता भी होगी, तो यह भी हमें उसको ध्यान में रखना होगा। ऐसे ही अनेक कार्यक्रम हैं, कितने ऐसे विद्यालय हैं, मैं प्रधानाचार्यों से ही पूछना चाहूंगा, हमारे 10 अच्छे प्रधानाचार्य भी यहां पर आए हुए हैं, जो शासन की योजनाओं को अपने विद्यालयों में बच्चों को अवगत कराते हैं, कोई बताएंगे?
क्या केंद्र और प्रदेश सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में आप बता पाएंगे जो छात्रों के हित में हो या युवाओं के हित में हो? आप बता दीजिए, कुछ बताएंगे आप, बताइए। हम लोग बच्चों को समय समय पर जो भी योजना, जैसे आपकी इंस्पायर अवार्ड है, हमारे पास गत वर्ष 143 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे जो बोर्ड की परीक्षा में 1% सेलेक्ट होते हैं। वो हर बोर्ड में, चाहे ICSE हो, चाहे CBSE हो, चाहे UP बोर्ड हो, हमारे बच्चे इस बार 143 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ऐसे ही इंस्पायर अवार्ड के अलावा हम लोगों के यहाँ एक हाई स्कूल लेवल पे भी इंस्पायर अवार्ड को लेकर के साइंस एग्जीबिशन होती है, उसका भी हम लोग जो है बच्चों को अवगत कराते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग जो कन्या सुकन्या योजना थी, कक्षा 6 के बच्चों को, कक्षा 9 के बच्चों को, कक्षा 1 के बच्चों को, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जी जी, योजना का पूरा नाम, योजना की पूरी जानकारी, जी, उसमें भी हम लोगों ने बच्चों को अवगत कराया और बच्चों को उसमें ऐड भी कराया। तो ऐसे ही जो भी योजनाएं समय समय पर आती रहती हैं, हम बच्चों को अवगत कराते हैं, उसमें बच्चों को जोड़ते भी हैं, केवल अवगत ही नहीं कराते हैं, जोड़ते भी हैं। देखिए, आप बैठे हैं, अभ्युदय कोचिंग की जानकारी भी हर शिक्षण संस्थान को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जानकारी भी हर शिक्षण संस्थान को होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम नाम भी पूरा याद होना चाहिए और कार्यक्रम की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, ये डिजिटल इंडिया क्या है, इन सब की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हमें इसकी जानकारी होगी तो हम अपने स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में या क्लास में या कहीं भी किसी फंक्शन के दौरान बच्चों को उस योजना के बारे में 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का उनके बीच में एक टॉक दे सकते हैं, उसका एक प्रेजेंटेशन उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों को इसके बारे में तय कर हमेशा उसको बता सकते हैं कि भारत सरकार ने योजना चलाई है, ये छात्रों के लिए इस प्रकार से उपयोगी है, युवाओं के लिए इस प्रकार से इसको उपयोगी होना है, इसमें आप इसकी प्रक्रिया ये है, उन सब के बारे में आप अवगत कराएंगे तो बच्चे हमेशा अपने आप को अपडेट रखेंगे। उससे समस्याएं कहां से शुरू होती हैं कि जिनके लिए योजना है उनको योजना के बारे में जानकारी नहीं होती है और अंततः छात्र अपना कोर्स पूरा करने के बाद भटकते रहते हैं। शिक्षण संस्थाएं अपने आप को शासन की उन योजनाओं से जो छात्र छात्राओं और युवाओं के हित के लिए हों उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अगर आप अपने छात्र के सर्वांगीण विकास के बारे में सोच रहे हैं, ईमानदार हैं, तो हमेशा हमेशा हमें स्वयं भी न्यूज़पेपर भी देखना चाहिए। हर दिन न्यूज़पेपर में और चैनल में शासन की उन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। कोई योजना सरकार ने लागू की, आखिर ये जितनी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रहा हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का रहा हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना का रहा हो, आखिर ये सभी चीज तो ये जितनी भी योजनाएं रही होंगी कहीं ना कहीं मीडिया में आया होगा ना, चैनल में तो आया ही होगा, अगले दिन समाचार पत्रों में भी आया होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने कॉलेज में समाचार पत्र मंगाएं, लाइब्रेरी में हिंदी इंग्लिश के एक एक समाचार पत्र तो कम से कम रखें और नियमित रूप से इसको देखें। समाचार पत्र बाद में जो महत्वपूर्ण योजना के बारे में उसकी कटिंग संभाल करके उसको रखें, उसका एक प्रेजेंटेशन तैयार करें और फिर बच्चों को बताएं ये स्कीम सरकार ने लागू की है। अच्छी स्कीम है, आपको लगता है कि छात्र छात्राओं के लिए अच्छी स्कीम है, हमें इसके लिए प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री को इसके बारे में पोस्ट कार्ड लिखने चाहिए, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि योजना से ये लाभ होने जा रहा है, इसको हम लोग इस रूप में करने, ये योजना इस रूप में उपयोगी है,
आपने ये योजना लागू की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए ये कृतज्ञता का भाव जो लोक कल्याण के लिए हो, छात्रों के हित में हो, उनके उन्नयन के लिए है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए है, ये भाव हमें व्यक्त करना होगा। इन चीजों के प्रति हमें अभी से तैयारी करनी होगी, जिससे शासन स्तर पर जानकारी मिलती है कि हाँ इन योजनाओं की जानकारी हमारी शिक्षण संस्थानों में भी है। उन चीजों के लिए हमें तैयार अपने आप को करना होगा। देखिए नोट्स बना करके मेरिट प्राप्त करने से महत्वपूर्ण है कि हम उसकी गहराई में जाने की आदत डालें कि वास्तव में इन छात्रों के सामने चैलेंज क्या है और कैसे हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उसको आगे बढ़ाने की तैयारी करें। आपने प्रधानमंत्री जी ने एक परीक्षा से संबंधित बातें की थी मन के बात में, कितने छात्र छात्रों ने सुना था इसको, आप में से किसी ने सुना था प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी उन्होंने। प्रधानमंत्री जी की पुस्तक इन सभी बच्चों तक पहुंचवाएंगे एक बार, सूचना विभाग उस पुस्तक को उपलब्ध करवाएंगे, उस पुस्तक को पढ़िए आप लोग थोड़ा, परीक्षा की जितनी भी चिंताएं उससे मुक्त तो आपको कर देगी, हो आत्मविश्वास से भरपूर कर देगी। प्रधानमंत्री जी के जब छात्रों से बातचीत हो रही थी उसको आपने उस दिन सुना होगा, बहुत सारी रोचक जानकारियां थी उसमें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी। हमें देखिए सफलतम व्यक्ति वह होता है जो छोटी छोटी बातों को ध्यान दे करके और कहीं पे कोई गलती हो रही तो उसका परिमार्जन समय पे कर देता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जो लापरवाह होता है और जिसको ये मालूम होता है, जो ये इस प्रकार का एक जिसके मन में भाव होता है कि साहब मैं तो सब जान रहा हूं, मैं सब कर दूंगा, वही हमेशा विफल होता है। सफल होता है जो छोटी छोटी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ जाता है, और विफल वही होता है जो जानने के बाद भी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो विफल हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम इन सभी बातों को ध्यान में रखने का प्रयास करें। क्लास आप लोग नियमित अटेंड करते हैं, सभी नियमित रूप से स्कूल जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि कभी कभी जाते होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वे क्लास में कम कोचिंग में ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। आप ऐसे कितने लोग हैं जो क्लास में कम और कोचिंग में ज्यादा जाते हैं, कोई ऐसा है? नियमित क्लास अटेंड करते हैं, सुंदर। संस्थाओं से मैं कहूंगा कि वे एक तो शासन की योजनाओं को अपने यहां अपडेट रखिए, और हर संस्थान, दूसरा जिन संस्थाओं ने, जिन संस्थाओं के मेरिटोरियस बच्चे आते हैं, जैसे विद्या भारती से जुड़े हुए संस्थान है, इनका एक प्रेजेंटेशन तैयार करिए, या अन्य जो संस्थान है वो ये भी अपना तैयार करें, और फिर इनका प्रेजेंटेशन इन प्रधानाचार्यों के माध्यम से जनपद के सभी विद्यालयों के सामने किया जाना चाहिए। एक दिन सभी प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाओ, गवर्नमेंट भी, सरकार के द्वारा एडेड भी और प्राइवेट इंटर कॉलेजेस, उन सभी के प्रधानाचार्यों के सामने इनका प्रेजेंटेशन तैयार होना चाहिए। इनके यहां के बच्चे कैसे मेरिट में आए हैं, क्या क्या इन्होंने प्रयास किए हैं, कहां पे अन्य लोगों में कमी रह गई, वे लोग उन कमियों को देखें और फिर उन कमियों को दूर करके एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की तैयारी होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम होना चाहिए। दूसरा, जनपद स्तरीय जो प्रधानाचार्यों की बैठक हो वह किसी रविवार के दिन हो, और रविवार के दिन होकर के उस दिन शासन की उन योजनाओं के बारे में जो छात्र छात्राओं के हित में है, उन योजनाओं की जानकारी, केंद्र और प्रदेश सरकार की उन योजनाओं की जानकारी भी उनको दी जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ती है तो सूचना विभाग से उसके
हैंडबिल उपलब्ध करवा करके उन्हें भी वहां वितरण करने की आवश्यकता है, जिससे हर छात्र छात्रा को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके कि उनके लिए कौन सी उपयोगी योजना है। एक चीज कभी कभी देखने को हमें मिलता है, वो ये मिलता है कि छात्र छात्राओं को समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती। कारण है कि ऑनलाइन जो आवेदन किया जाना है संस्थान के स्तर पर उस पर प्रयास नहीं होता, शिक्षण संस्था के स्तर पर उसमें प्रयास नहीं हो पाता है, और उसके कारण वे जब पोर्टल ऑन रहता नहीं करते हैं, जब पोर्टल बंद हो जाता उसके बाद तब फिर वह दौड़ धूप करने लगते हैं। हमेशा हमें अपडेट रखना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हमेशा उसके लिए हम तैयार हो जाएं तो आप देखेंगे कि शासन की योजना का लाभ सीधे सीधे आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, आप लखनऊ जनपद के यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास के 10 अच्छे छात्रों में हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो आप में और निखार आएगा और अच्छा आप बन सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक अवसर आपके सामने है कि आप अपने प्रतिभा, मैंने इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को बुलाया, आपको, आपके अभिभावकों को और आपको, आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि अभी जनपद स्तर पर सम्मान का कार्यक्रम अलग से होंगे और प्रदेश स्तर का अलग से होना है। प्रदेश के जो मेरिट में आए होंगे उन 100 बच्चों का अलग से हम लोग यहाँ करेंगे, और जनपद स्तर पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो, जैसे 10 बच्चों को मैंने यहाँ बुलाया है, जनपद स्तर पर भी ऐसे 100 बच्चों को जिनका जो प्रदेश की मेरिट से अलग हैं, उन बच्चों का 10 बच्चों का अलग से, 100 बच्चों का अलग से राज्य स्तर, जनपद स्तर पर भी हर जनपद में होगा, उसकी भी तैयारी हर जगह प्रारंभ होगी, हाई स्कूल के भी, इंटरमीडिएट के भी, जनपद स्तर पर भी सम्मान के कार्यक्रम होंगे। इसमें भी CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के भी परिणाम आ जाएंगे, तो उस कार्यक्रमों को एक साथ हम बढ़ाएंगे। लेकिन मेहनत किए जाने की आवश्यकता है, याद रखना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता, जितना आप परिश्रम करेंगे उतना अच्छा परिणाम आएगा, लेकिन परिश्रम सकारात्मक होना चाहिए और सार्थक दिशा में होना चाहिए। आप करेंगे उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। जीवन में कभी चैलेंज से घबराना, चुनौती से घबराना नहीं चाहिए, उसको बहुत तनाव मुक्त होकर के उसको फेस करने की आदत डालनी चाहिए। आप देखेंगे कि जब आप तनाव मुक्त होकर के उसका मुकाबला करने की तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा चैलेंज क्या है, परीक्षा। परीक्षा को भी बहुत आसानी से अगर आप लेंगे और उसकी तैयारी के लिए बिना किसी घबराहट के आत्मविश्वास से भरपूर होकर के एक एक प्रश्न को पढ़ना, पढ़ करके फिर उसका उत्तर कैसे दिया जाना है, इन सभी के बारे में अगर आप अच्छे ढंग से अपने आप को तैयार कर लेंगे, स्वयं को तैयार कर लेंगे, तो अपने आप क्वेश्चन पेपर को आप उसको सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आप सब यहां पर आए हैं, मैं आपको, आपके अभिभावकों को और आपके गुरुजनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो मेरिटोरियस छात्रों को सम्मान का कार्यक्रम होना है राज्य स्तर पर, वह यहां पे शासन स्तर से भी और जनपद स्तर से भी उसकी सूचना आपको अलग से मिलेगी, उसके अनुसार आपका सम्मान का कार्यक्रम होगा। आज मैंने केवल आपको एक इंटरेक्शन के लिए बुलाया था, एक संवाद आपके साथ करने के लिए कि आप लोगों ने इस सफलता कैसे प्राप्त की है और अभी आपको इसमें और क्या क्या कुछ करना है। आपने अवश्य कुछ चीज़ें जानकारी ली होंगी, नोट की होंगी, उसका अनुसरण करने का प्रयास आप जरूर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी।